नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडिशन प्रोग्राम में स्वागत है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होती है, ये सब बेसिक्स है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, उसका कंजुगेट क्या होगा या फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस वही टर्म है जो हमने पहले सीखी थी रियल नंबर्स के ऊपर। किसी रियल नंबर का मॉडुलस क्या होता था, उस नंबर का पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि अगर -7 है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती थी 7, अगर 4 है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होती थी 4, 0 है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या थी 0। तो रियल नंबर्स के ऊपर हमने मॉडुलस वैल्यू को पढ़ लिया, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू क्या होती है। तो चलिए देखिए, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4i। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे अगेन प्लेन के ऊपर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर कार्टीजन प्लेन पढ़ा था, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसीलिए इस प्लेन को कहा जाता है अगेन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो हमारे नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म ही होते हैं, यानी कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए अगर 1 है तो 1 को कैसे लिखा जा सकता है 1+0i। -2 है तो -2 को लिखा जाएगा -2+0i। यानी कि कोई भी नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4i, तो इसके लिए जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 3 और 4 का, यानी कि x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे जो पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, x एक्सिस में 3 के ऊपर और यहाँ पर y एक्सिस में 4 के सामने, ये हमारा पॉइंट है 3, 4। एक्चुअल में जो मॉडुलस है वो क्या करता है, ये हमें इस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को बताता है। अगर ये डिस्टेंस हम r लें तो r की वैल्यू क्या होगी, r यानी कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट है a और नीचे ap, ये एक परपेंडिकुलर लेंथ है, तो AP जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू 4। इसी तरह नीचे जो बेस है OP उसकी लेंथ कितनी आएगी 3। तो अगर हम ये कहें कि OAP ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें OA क्या होगी, हाइपोटन्यूज होगी, AP होगा परपेंडिकुलर एंड OP क्या होगा बेस, और पाइथागोरस आइडेंटिटी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है r, r का स्क्वायर क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट इज 4, बेस इज 3। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर हमारे पास आएगी 25। तो r विल बी इक्वल टू 5 और वी कैन से मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 5। इस तरह आपने देखा भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट की फॉर्म देते हैं तो उस पॉइंट की ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस है। आगे इस तरह आपने सीखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने कैसे सॉल्व करना है। जब हम रियल नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो वो बिल्कुल हमारे सामने क्या आता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस वैल्यू भी होती तो पॉजिटिव ही है, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है a+iB,
तो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी उसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट, या फिर हम ये कह सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसको हम रखते हैं अंडर रूट के अंदर। अब हम सीखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कंजुगेट कैसे लिखा जाएगा, जेड के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, तो ए प्लस आयोटा बी इसके ऊपर भी हमने एक बार लगा दिया। अब यह आपके सामने एक अर्गन प्लेन बना हुआ है, इसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें रियल पार्ट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और इमेजरी पार्ट होता है वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि अर्गन प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजरी एक्सिस, तो इसीलिए एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि रियल एक्सिस के ऊपर रियल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा और इमेजरी एक्सिस के ऊपर इमेजरी पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ए प्लस आयोटा बी इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इस ए बी पॉइंट की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अराउंड क्या होगी, जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट है वो पॉइंट जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होते हैं ए माइनस बी के फॉर्म में, तो एक्चुअल में जो कंजुगेट है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन ही है, उसकी इमेज ही है, तो इस पॉइंट का इस नंबर का जो कंजुगेट है वो क्या बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी, यानी कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने इमेजिनरी पार्ट ध्यान से देखना है, इमेजिनरी पार्ट में हम क्या करेंगे उसका साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो अब आप देखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का अगर हम दोबारा से कंजुगेट लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या था ए माइनस आयोटा बी, इसका अगर हम दोबारा से कंजुगेट लेते हैं तो क्या बनेगा, क्योंकि कंजुगेट का रूल क्या है हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, अगर माइनस साइन है तो वो साइन बन जाता है प्लस, तो ये नंबर हमारे पास फिर से जेड बन गया। तो अब आप देखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का अगर हम दोबारा से कंजुगेट लेते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ बन जाता है। हाँ जी, हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे सॉल्व करना है। अब हम रिलेट करेंगे कंजुगेट और मॉडुलस वैल्यू को, इन दोनों को रिलेट करने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया है a प्लस आयोटा b, तो उसका कंजुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा b, तो z की मॉडुलस वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट, तो यहां पर हम z और z कंजुगेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा बी, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मॉडुलस जेड की वैल्यू क्या थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट, तो यहां से हमारे पास रिलेशन बन जाता है जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, तो यहां से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स भी बड़े इजिली निकाल सकते हैं, जेड इनवर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी That is equal to z conjugate divided by modulus z square. अब हम सीखेंगे किसी भी complex number का multiplicative inverse कैसे solve किया जाता है। किसी complex number का multiplicative inverse कैसे find out किया जाता है? मान लीजिए हमारे पास कोई complex number है 3 plus 4 iota. तो इसका हमने multiplicative inverse निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है 1, यानी कि जेड वन इंटू जेड टू शुड बी इक्वल टू 1, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए रूल है। तो ये रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 1 बाय जेड,
यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, 1/3 + 4i। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 3 + 4i को रैशलाइज करेंगे विद ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन किसका लेना है, इमेजिनरी पार्ट का। तो इमेजिनरी पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, अगर तो इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस में है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे माइनस साइन के साथ, और अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है तो हम लेंगे साइन प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 3 - 4i / 3 - 4i से। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 3 - 4i। अब डिवीज़न में क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें एक के बीच में प्लस साइन है और दूसरे में माइनस साइन है, यानी कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a + b a - b = a² - b² तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा 3² - 4i² और हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनेंगी, 9 + 16। तो 9 + 16 कितना हुआ, 25। तो रियल पार्ट में हम 25 को अलग से लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट में हम 25 को अलग से लिख देंगे। तो इस तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स काफ़ी इजी है कैलकुलेट करना। आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल। अब हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स के बारे में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर हमें जीरो मिले, तो ऐसा नंबर होगा माइनस ऑफ जेड। यानी कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a + i / b तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a - i / b। यानी कि उस नंबर के हमने दोनों पार्ट्स, रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, उन दोनों के साइंस को हमने चेंज कर देना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी नंबर दिया गया है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मिल जाता है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स काफी आसान है, इसमें कहीं भी कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। अब हम देखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमने जो आइडेंटिटीज पहले 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीखी थी उनको कैसे अप्लाई करना है। हमारे पास 9th स्टैंडर्ड के अंदर a + b² का फॉर्मूला क्या था, a² + 2ab + b². तो बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर अप्लाई करना है। मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i / b, तो उसका स्केयर हम कैसे लेंगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हमने लगाना है, a² + 2a * i / b। बी की जगह पर क्या आ जाएगा, i / b आ जाएगा, प्लस में i / b² मतलब कोई भी चेंज नहीं है, आइडेंटिटीज बिल्कुल सेम वही रहेगी जो हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीखी है। अगर हमारे पास a + b³ का फॉर्मूला था तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे a + i / b के ऊपर, तो आइडेंटिटीज में कोई चेंज नहीं है, यानी कि जो रियल नंबर्स में हमने आइडेंटिटी सीखी थी वही आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कहीं भी आपको किसी भी आइडेंटिटी को अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 5 - 3i / 3 है, यानी कि यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमने जो 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था सेम फॉर्मूला हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अप्लाई करेंगे। a + b³ का फॉर्मूला हमने सीखा था, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो ये फॉर्मूला हमने रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ा था, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी सेम आइडेंटिटीज अप्लाई होती हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है -3i/। तो फर्स्ट टर्म में है a³ यानी कि 5³, 3a² b, 5 के ऊपर स्क्वायर आएगा और b हमारे पास 1 पावर में है,
और थर्ड टर्म में है 3ab² 3 × a × b² b की वैल्यू है -3 iota प्लस बी क्यूब, तो -3 iota के ऊपर पावर आएगी 3। अब 5 की पावर 3 है, यानी कि 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5, तो ये वैल्यू आएगी 125 प्लस, अब 3 × 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 75। अब है 3 × 5 = 15, -3 का स्क्वायर 9 होगा और इंटू में आएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस -3 का क्यूब -27 इंटू में आयोटा क्यूब। अब हमें पता है आयोटा की पावर्स क्या क्या होती हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है -iota, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और आयोटा क्यूब की वैल्यूज हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। 75 को जब हम -3 iota के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म हमारे पास बनेगी -225 iota, 15 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 135 इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, अब आयोटा क्यूब की वैल्यू है -iota। तो अब आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या क्या बनेगा। अब हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं वो हैं 125 और सेकंड रियल पार्ट है -135, इनको हम इकट्ठा लिख रहे हैं और जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको हम सेपरेटली लिखेंगे, -225 iota और यहाँ पे -27 × -iota, ये टर्म बनेगी 27 iota प्लस में, तो 125 और -135 इसकी वैल्यू आएगी -10, और क्योंकि -225 iota ये हमारे पास नेगेटिव है और 27 iota ये प्लस में है, तो टर्म्स हमारी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये आएगा -198 iota, क्योंकि बड़ी टर्म का जो साइन होता है वही साइन आता है सब्ट्रैक्शन में। तो इस तरह आपने देखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर क्यूब आता है तो फाइनली जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो रिज़ल्ट भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है -10 और b की वैल्यू क्या है -198। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आयोटा रेज टू पावर -35 को, तो यहाँ पे आप पावर देख रहे हैं क्या है माइनस में है, तो माइनस पावर को हम कैसे लिखेंगे 35 × -1, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 35 है और उसकी होल पावर है -1। अब हम पीछे चलते हैं 9th स्टैंडर्ड में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीखा था किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसको लिखा जाता है 1/that number, यानी कि वो उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है। तो सेम यही हम यहाँ पर करेंगे, 1 के डिवीज़न में आएगा आयोटा की पावर 35। अब आयोटा की 35 पावर्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, 35 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोशेंट आता है 8 और रिमेंडर आता है 3। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि आयोटा की जो पावर्स हैं अगर 4 से ज़्यादा हैं तो उन नंबर्स को हम चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके, उनका रिमाइंडर जितना भी आएगा उनकी उस रिमाइंडर पावर्स को हम सेपरेट कर देंगे और क्वेश्चन पावर्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 32 पावर्स अलग हो जाएंगी और 3 पावर्स अलग हो जाएंगी। अब आयोटा की पावर जो 32 है उसको हम लिख सकते हैं 4 × 8 और आयोटा की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और 1 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करें हमेशा रिज़ल्ट 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। तो यानी कि आयोटा की जो पावर 32 है वो 1 आ गई,
और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन के अंदर कितनी भी पावर हो आयोटा की, उन पावर्स में हम 4 के मल्टीपल्स को अलग करेंगे और रिमाइंडर पावर्स को अलग करेंगे। अब हमारे पास रिजल्ट आया है माइनस 1 डिवाइड बाय आयोटा। अब हम आयोटा को रैशलाइज करेंगे आयोटा के साथ, तो न्यूमिरेटर में आएगा माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1। तो माइनस से माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा आयोटा। अब आयोटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रियल पार्ट 0 है और इमेजरी पार्ट है 1। तो ये थी हमारे पास आयोटा रेशियो पर माइनस 35 की कॉम्प्लेक्स फॉर्म 0 + 1 आयोटा। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसको हम रैशलाइज करते हैं विद ऑपोजिट साइन, यानी कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कंजुगेट लेते हैं, उसके इमेजरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे 1 + √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो न्यूमिरेटर में हमारे पास 5 + √2 आयोटा और दूसरा फैक्टर है 1 + √2 आयोटा, दोनों ही फैक्टर्स अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फैक्टर के साथ। तो पहले फैक्टर में 5 के अलावा दूसरी टर्म है √2 आयोटा, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फैक्टर के साथ। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि एक फैक्टर के बीच में प्लस साइन है दूसरे में है माइनस साइन, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो न्यूमिरेटर में 5 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स आएंगी 5 + 5 √2 आयोटा, और जब √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स आएंगी √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा स्क्वेयर, डिवीज़न में 1। अब √2 आयोटा स्क्वेयर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आयोटा स्क्वेयर। अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1। तो ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे 5 + अब आप देख रहे हैं 5 √2 आयोटा और √2 आयोटा ये दोनों ही इमेजरी नंबर्स हैं, तो इनको ऐड करने पर रिजल्ट आएगा 6 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 2 आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, माइनस 2। सेम इन डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1 + 3। अब हमारे पास दो रियल नंबर्स है ऊपर 5 - 2, तो ये रिजल्ट आएगा 3, और इमेजरी नंबर है हमारे पास इमेजरी पार्ट है 6 + 6 × √2 आयोटा, डिवीज़न में 3 है, और इस पूरे नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 1 + √2 आयोटा। तो इस तरह आपने देखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फाइनली हम देख रहे हैं कि उसका जो रिज़ल्ट आया है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। इस क्वेश्चन में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं -5 आयोटा इंटू आयोटा डिवाइड बाई 8 को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे हैं जिनके रियल पार्ट्स 0 हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, और हमें पता है आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा -5 × -1 डिवाइड बाय 8। अब दो नेगेटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव बन जाता है, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, 5/8। अब 5/8 क्या है, एक रियल नंबर है,
तो रियल नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो 5/8 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 5/8 है और बी की वैल्यू क्या है, 0। हाँ जी, इस तरह आज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे सॉल्व किया जाता है, कंजुगेट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स या फिर आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर पूरा समझ आ गया होगा। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है जिसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, क्योंकि टेस्ट स्टैंडर्ड में हमने मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया था, लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर हम अटक गए थे जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था। तो हमारा मेन मकसद इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखना ना भूलिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।